Hello students, I am Zumi Singh, assistant professor in home science at UP Rashtriya Tandon Open University, and today I am going to teach you on topic nutrition during weight management. When we talk about weight management means मोटापा और माल न्यूट्रिशन हमारे कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ पर हमारा एक ओवर न्यूट्रिशन भी कवर होता है और अंडर न्यूट्रिशन भी. सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर न्यूट्रिशन की, यानी कि ओबेसिटी, ओवरवेट और मोटापा. जब हम अपने बॉडी फैट को देखते हैं तो बॉडी फैट हमारा कुछ सारे एलिमेंट से बना है, जैसे कि बोन, मसल, ऑर्गन, बॉडी फ्लूड एंड एडिपोज टिश्यू. ये सारे ही मिलके हमारी बॉडी का वजन बनाते हैं, बॉडी का वेट बनाते हैं. यही हमारी बॉडी का वेट जो है वो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में अलग अलग डिवाइड होता है. ये कॉम्पोनेंट्स हमारा ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह होती है हमारा डेली रूटीन, हमारी फिजिकल लाइफस्टाइल कैसी है, हमारा ग्रोथ का रिफ्लेक्शन कैसा है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी कैसा है और हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ एजिंग. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे बॉडी के ये सारे कॉम्पोनेंट्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के वेट में कम या ज़्यादा होने के चांसेस मिलते हैं. बॉडी वेट कॉम्पोनेंट की बात करते हैं तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, फैट मास और फैट फ्री मास. फैट मास वो पार्ट होता है बॉडी का जिसमें हमारे बॉडी के सारे फैट से रिलेटेड, यानी कि हमारे वसा से रिलेटेड चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा स्केलेटन मसल, हमारा एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू जिसमें कि हमारा फैट जाके डिपॉजिट होता है, जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ये सारी चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं फैट मास. वहीं दूसरी तरफ हमारा होता है फैट फ्री मास. फैट फ्री मास में हमारा पूरा बॉडी का वाटर, प्रोटीन और अदर मिनरल्स, ये सारे हमारे उसमें इंक्लूड होते हैं. फिर हम बॉडी फैट की बात करते हैं. बॉडी फैट हमारा दो टाइप का होता है. एक होता है हमारा एसेंशियल, जो कि हमारी डेली की एक्टिविटी के लिए ज़रूरत होती है जिसकी. दूसरा हमारा होता है स्टोरेज फैट. एसेंशियल फैट की बात करते हैं तो एसेंशियल फैट में हमारा जो डेली के नॉर्मल हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है, हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें एसेंशियल फैट से मिलती है. ये हमारे पूरी बॉडी में छोटे छोटे अमाउंट में स्टोर रहता है, हमारे बोन मैरो में, हार्ट में, लंग्स में, लिवर में, स्प्लीन में, किडनीज में, मसल्स में और पूरे नर्वस सिस्टम में. मेन और वुमेन, यानी कि महिलाओं और पुरुष की बात करें तो पुरुषों में ये 3% तक होता है और महिलाओं में ये 12% तक होता है, क्योंकि महिलाओं में बॉडी का फैट जमा होना ज़रूरी होता है आगे रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए, जिसमें कि हमारा जो ब्रेस्ट, हमारा पेल्विक रीजन, हमारा थाई पोर्शन, वहाँ पर फैट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है. लेकिन ये सारे एसेंशियल फैट के लिए हैं जो हमारे नॉर्मल चीज़ों के लिए, सारी पूरी साइकिल परफॉर्म करने के लिए, फिजियोलॉजिकल परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस, उसके लिए ज़रूरत होती है. दूसरी तरफ हमारा स्टोरेज फैट है. स्टोरेज फैट हमको जब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी अनशन की कंडीशन में होती है, जब हमें बॉडी को कहीं से एनर्जी नहीं प्रोवाइड होती है, तो हमारा जो स्टोरेज फैट है वो टूट कर हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसमें बेस हमारा अगर देखते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स और जो एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट फैट है, यही हमको हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ये पहले से ही जमा हुआ, जो डेली हम लोग खाना, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, इस वजह से जो हमारी बॉडी में अलग अलग एरिया में जो फैट जमा हो जाता है, वो वाला फैट हमारा स्टोरेज फैट के अंदर आता है. वो ज़्यादातर देखें तो हमारी स्किन के नीचे जमा होगा, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके आसपास जमा होता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और एडिपोसाइट्स जो हमारे फैट के सेल्स हैं जिसमें हमारा फैट जमा होता है, इसको पिला के हम पूरा टोटल बॉडी फैट भी निकालते हैं. अब हम बात करते हैं ओवरवेट और ओबेसिटी, यानी कि सामान्य से अधिक वजन और मोटापा, दोनों में क्या फ़र्क है. अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल क्लिनिकल टर्म में तो ओबेसिटी क्या होता है, अगर हमारा जो सामान्य किसी एक व्यक्ति की सामान्य हाइट, सामान्य एज के हिसाब से जो उसका वजन होना चाहिए, अगर उस वजन से 20%, यानी कि 20% वेट ज़्यादा है तो वो हम ओबेसिटी कहते हैं. अगर हमारा ये वेट 10-20% के बीच में है तब हम उसको ओवरवेट की कंडीशन में कहते हैं. ओवरवेट, ओबेसिटी, ये दोनों ही हमारा डिपेंड करता है कि पर्सन की एज क्या है, जेंडर क्या है, हाइट क्या है और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है.
सबसे पहले अगर हम ओबेसिटी देखते हैं तो ये हमारा एक इम्बैलेंस होता है जो हम डेली खाना खा रहे हैं और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर और हमारा इनटेक, इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनटेक हमारा ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारा वेट बढ़ता जाएगा क्योंकि फैट एक्यूमुलेट होगा और हमारी बॉडी इतना फंक्शन नहीं कर रही है जो कि हमारा जो जमा हुआ फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, एनर्जी में ब्रेक हो सके और बॉडी में एनर्जी रिलीज हो सके। वेयर एज अगर हमारा इनटेक कम है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब हम खा कम रहे हैं और अच्छा बैलेंस डाइट ले रहे हैं और हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारा काम करने की फिजिकल एक्टिविटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी फिजिकली फिट रहती है, नॉर्मल रहती है और ओवरवेट और ओबेसिटी की कंडीशन नहीं आती है। अब ओबेसिटी को जानने के, उसको परखने के, उसको पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हमारा है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में ये है कि हम देखकर बता सकते हैं कि किस तरह का मोटापा या ओबेसिटी है। ये हमारे दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी एप्पल शेप और एंड्रॉइड शेप, फैट डिपोजिशन, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है हमारा पियर शेप और गायनॉइड शेप। जो हमारा एप्पल शेप है, एप्पल शेप की अगर हम बात करते हैं तो वो मेल्स में, पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। उसमें हमारी जो वेस्ट है, हमारी जो कमर के ऊपर का फैट डिपॉजिट होता है, जो कमर के ऊपर का जो फैट जमा होता है वो ज़्यादा होता है कमर के नीचे के फैट से। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एप्पल की शेप में फैट डिपॉजिट होता दिखाई देता है। ये फैट ज़्यादातर पुरुषों में दिखता है, इसको हम विसरल फैट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए थोड़ा खतरनाक होता है क्योंकि ये रिस्क है, इसमें हमारा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फ्यूचर में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। दूसरी तरफ हमारा पियर शेप्ड है गायनॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मेनली महिलाओं में होता है। महिलाओं के अगर आप देखते हैं तो वेस्ट के ऊपर, यानी कि कमर के ऊपर का जो फैट डिपोजिशन है वो कम है और कमर के नीचे का जो फैट डिपोजिशन है, जो फैट इकट्ठा होता है, वो ज़्यादा है। इसको भी हम विसरल फैट ही बोलते हैं, पर ये पुरुषों का कंपैरिजन कम होता है। कुछ थ्योरीज हैं जो हमारी बॉडी फैट को, बॉडी वेट को डिफाइन करती हैं, उनको बताती है कि हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमारी आती है सेट पॉइंट थ्योरी। सेट पॉइंट थ्योरी ये बताती है कि हमारा जो फैट का स्टोरेज है वो ओबीज में और नॉन ओबीज में कैसे फ़र्क कर रहा है, यानी कि मोटे लोगों में और सामान्य वजन के लोगों में कैसे फ़र्क कर रहा है। तो सेट पॉइंट थ्योरी में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल साइकिल में चलती है, जैसे कि हमारा डेली का जो खान पान है, हमारा एक्सरसाइज है, हमारे हॉर्मोनल चेंज है, हमारी मेटाबॉलिज्म है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी का एक सेट पॉइंट डेवलप हो जाता है। अब हमारी बॉडी, अगर हम कुछ दिन थोड़ा सा ज़्यादा खाना पिया, खाना पीना खाया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करी, तो कुछ दिन के लिए आपका वेट बढ़ेगा, लेकिन आप जब नॉर्मल अपने रूटीन में आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका आपके सेट पॉइंट पर वेट पहुंच जाएगा। अगर लेकिन ये सामान्य समय से ज़्यादा समय, यानी कि आपने 2-3 महीने तक ऐसे ही करा, खान पान पर ध्यान नहीं दिया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी और आपका वेट बढ़ता चला जा रहा है और आप बढ़े वेट की कंडीशन में ही महीनों निकाल दिए, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का एक नया सेट पॉइंट डेवलप हो जाएगा जो कि पहले से ज़्यादा होगा। दूसरी आती है हमारी फैट सेल थ्योरी। फैट सेल थ्योरी में हमारा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल, जो उसमें हमारा का फैट जो है वो डिपोजिशन होता है, जाके जमा होता है, इकट्ठा होता है, उसके हिसाब से ये थ्योरी जो है डेवलप की गई है। इसमें सबसे पहले हमारा जो एक टर्म आता है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, हमारे फैट के जो सेल्स हैं उनके नंबर इंक्रीज करते हैं, वो सेल हमारे डिवाइड होंगे और उनके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। ये हमारा नॉर्मल जब ग्रोथ होती है उस प्रोसेस में होता है जब बच्चे पैदा होते हैं और किशोर अवस्था तक, यानी कि इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक हमारा हाइपरप्लेसिया कंडीशन चलती है, जहाँ पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फैट सेल डिवाइड होते हैं और वो नंबर में बढ़ते हैं। फिर जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हो चुकी होती है, एडल्ट कंडीशन में आ जाते हैं, उस कंडीशन में अब इन फैट सेल का नंबर नहीं बढ़ता, अब इन फैट सेल का साइज़ बढ़ता है। इस कंडीशन को हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे फैट सेल्स में अब फैट डिपॉजिट होना, इकट्ठा होना, जमा होना शुरू हो जाता है, वो 1000 गुना तक बढ़ता जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके सेल के साइज़ जो है वो बढ़ते जाएंगे। अब आता है कि हम असेसमेंट कैसे करें, कैसे पता चलता है कि कोई
सामान्य अपनी एज, अपने हाइट, अपने वेट, अपने लंबाई के हिसाब से इसका वेट नॉर्मल में आएगा, या ये ओबीज है या ओवरवेट है या अंडरवेट है। तो इसके हमारे कुछ असेसमेंट के तरीके हैं। सबसे पहले आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट यानी कि आपकी सामान्य एज, आपके सामान्य हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड वेट। अगर हम आइडियल बॉडी वेट में से हाइट का बात करते हैं, हाइट में क्या होता है, हम सेंटीमीटर्स में अपनी हाइट लेते हैं और आइडियल बॉडी वेट हम केजी में निकालते हैं। तो अगर हम किसी एक पुरुष की बात करें, एक मैन की बात करें, तो आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में जितनी आ रही है उसमें से 100 माइनस करेंगे तो वो उस पुरुष का आइडियल बॉडी वेट होगा। जैसे कि अगर किसी की हाइट 175 सेंटीमीटर्स है तो उसका आइडियल बॉडी वेट कितना होगा, 175 में से 100 हम माइनस कर देंगे, 75 केजी उसका आइडियल बॉडी वेट होगा। मगर अगर सेम हाइट की यानी कि 175 सेंटीमीटर्स की कोई महिला है, कोई विमेन है, तो उसका हम वेट कैसे निकालेंगे, 175 माइनस 105, तब उसका बॉडी आइडियल बॉडी वेट होगा 70 केजीज। यानी कि अगर हम पुरुषों के लिए आइडियल बॉडी वेट निकाल रहे हैं तो हम हाइट में से 100 माइनस करते हैं, और अगर हम महिलाओं के लिए नॉर्मल बॉडी वेट निकाल रहे हैं, आइडियल बॉडी वेट निकाल रहे हैं, तो हम हाइट में से 105 माइनस करते हैं। उसके बाद हम आपके जो बीएमआई हमारा बॉडी मास इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ओबेसिटी का लेवल जो है वो किस रेंज में आ रहा है, नॉर्मल है, अंडरवेट है, ओवरवेट है या ओबीज है। जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है यानी कि हमारे हाइट के हिसाब से हमारी बॉडी का वेट कितना होना चाहिए, उसको हम किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। अब इसकी कुछ रेंज है, अगर आपके पास किसी एक व्यक्ति की हाइट है, उसका वेट है, तो हम उसके वेट को हाइट से डिवाइड करेंगे। हाइट हमारी जो है वो सेंटीमीटर से मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उस हाइट वेट से हाइट को डिवाइड करेंगे। अब इन बीएमआई की कुछ रेंज है, ये जो रेंज है ये हमारी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी दी है, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में यही इसके अकॉर्डिंग ही हम डिवाइड करते हैं कि हमारा जो एक नॉर्मल पर्सन है वो अंडर वेट है, ओवर वेट है, ओबीज है या नॉर्मल वेट है। ये न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो हम BMI की रेंज के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करते हैं। दूसरा हमारा आता है एशियन कट ऑफ, क्योंकि इंडिया में एशियंस में बॉडी में फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनका कट ऑफ भी थोड़ा सा कम करके बनाया गया है। मतलब जहाँ अगर हम WHO के कट ऑफ के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ आपको ओबेसिटी या ओवरवेट 25 केजी पर मीटर स्क्वायर से दिखेगी, वहीं एशियन कट ऑफ में आपको ओवरवेट 23 केजी पर मीटर स्क्वायर से दिखेगी। कहने का मतलब है कि एशियंस में बॉडी फैट में डिपोजिशन, मोटापा ज़्यादा होता है बाकी सबके कंपेयर करने के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी रेंजेस है। अंडरवेट के लिए हमारा BMI होना चाहिए बिलो 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर, नॉर्मल वेट का है हमारा 18.5 टू 24.9, प्री ओबेसिटी का यानी कि ओवरवेट का हमारा 25 से 29.9 केजी पर मीटर स्क्वायर है, फिर हमारी ओबेसिटी की क्लास शुरू होती है 30 और अबव BMI से। अगर हमारा BMI 30 से 34.9 है तो वो ओबेसिटी क्लास 1 रिप्रेजेंट करता है, अगर 35 से 39.9 है तो वो ओबेसिटी क्लास 2 रिप्रेजेंट करता है, और अबव 40 है BMI हमारा तो वो ओबेसिटी क्लास 3 है। अगर हम एशियन कट ऑफ के हिसाब से देखते हैं तो अंडरवेट हमारा लेस देन 18.49 यानी कि 18.5, नॉर्मल वेट हमारा 18.5 से 22.9 तक है। अब यहाँ हमारा ओवरवेट एशियन के केस में 23 केजी पर मीटर स्क्वायर से ही शुरू हो रहा है, जबकि हमारा WHO के अकॉर्डिंग 25 से शुरू हो रहा था। तो एशियन कट ऑफ के अकॉर्डिंग ओवरवेट वुमेन या मेन 23.0 से 24.9 के बीच में होंगी, और ओबीज 25 से अगर ज़्यादा BMI है तो वो ओबीज कैटेगरी में आएगा। दूसरा तरीका है हमारा वेस्ट सर्कमफेरेंस और वेस्ट हिप रेशियो, यानी कि हमारे कमर की चौड़ाई कितनी है उसको हम सेंटीमीटर्स में इंच टेप से नापते हैं, और उसकी रेंज जो बनी हुई है हम उससे कंपेयर करते हैं। अगर हमारी रेंज के अंडर आ रही है तो वो नॉर्मल है, रेंज के ऊपर आ रही है तो उसमें ओबेसिटी पाई जा रही है, जो कि एब्डोमिनल ओबेसिटी है, क्योंकि ये हमारा एब्डोमिन एरिया में कितना फैट डिपॉजिट है वो बता रही है।
बल्कि वेस्ट हिप रेशियो क्या है, हमारा वेस्ट सर्कमफेरेंस है और हमारा हिप सर्कमफेरेंस है, दोनों को हम लेकर वेस्ट सर्कमफेरेंस से हिप सर्कमफेरेंस को डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो आएगा वो हमारा बताता है कि हमारी वेस्ट हिप रेशियो कितना है। उसकी भी अलग अलग रेंज बताई गई है, अगर वो रेंज के अंदर है तो आप नॉर्मल है, अगर आप रेंज से ज़्यादा है तो वो ओबीस कंडीशन में। वेस्ट सर्कमफेरेंस और वेस्ट हिप रेशियो की भी अलग अलग कट ऑफ दिए गए हैं, जैसे कि मेल में अगर हम देखें पुरुषों में 94 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो ओबीस कंडीशन बता रहा है, फीमेल में और महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो आपका रिस्क दिखाता है, जो कि हमारा रिस्क अगर मेटाबॉलिक डिजीज़ का जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का फ्यूचर में ज़्यादा है। वेस्ट सर्कमफेरेंस मेल में 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा और फीमेल्स में 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो भी वो रिस्क की कंडीशन में आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर हम एशियन कट ऑफ की बात करें तो जैसे कि हमारा इंडिया में अगर 80 से सेंटीमीटर से कम है तो वो रिस्क में नहीं आते हैं मेल के केस में, विमेन के केस में या फीमेल के केस में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। इंचेस में अगर हम देखें तो 32 इंचेस होगा और 35 इंचेस होगा। एक हमारी और कैटेगरी आती है वेस्ट टू हाइट रेशियो, ये भी हमारा एक एडिपोसिटी या ओबेसिटी मेजर करने का तरीका है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेस्ट को इंचेस में लेते हैं और हाइट को इंचेस में लेते हैं। वेस्ट की इंचेस में जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं हाइट इन इंचेस और फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो रेशियो निकल के आता है वो हमारा होता है वेट इज टू हाइट रेशियो। नेक्स्ट आता है हमारा स्किन फोल्ड थिकनेस, हमारी स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट होता है, फैट जमा रहता है जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। अब हमारे कुछ बॉडी के एरिया है जहाँ हमारा फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है, जैसे कि बाइसेप, ट्राइसेप, सुप्रा इलियक, सबस्कैपुलर, इन सारी जगहों के अगर हम स्किन की थिकनेस मेजर करते हैं कैलिपर से, हमारे पास जैसे कि आप पिक्चर में दिख रहा है अलग अलग तरह के कैलिपर मौजूद हैं, कैलिपर से हम स्किन को जैसे दो उंगलियों के बीच में उठा के पकड़ा हुआ है उसकी थिकनेस मेजर करते हैं। ये कैलिपर जैसे कि हर्पेंडर कैलिपर, हॉल्टेन कैलिपर, लैंज और स्लिम गाइड, ये डिफरेंट डिफरेंट कैलिपर यूज़ करके हम स्किन फोल्ड को मेजर करते हैं, फिर उसको हम अलग अलग इक्वेशन है उसमें रख के हम टोटल बॉडी फैट परसेंटेज निकालते हैं जो कि हमारा एडिपोसिटी या ओबेसिटी को बताता है। ये इक्वेशन है जो बताएगी हमें किस तरह से बॉडी थिकनेस को बॉडी फैट परसेंटेज निकालने के लिए इस्तेमाल करना है। सीरीज की इक्वेशन है जो कि 1961 में दी हुई थी, जहां पर उन्होंने बॉडी फैट परसेंटेज निकाला है उसके लिए पहले उन्होंने बॉडी डेंसिटी निकाली है। बॉडी डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से मेल फीमेल के अलग कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि हम सी और एम की जगह रखते हैं अलग चार्ट से। फिर उसके बाद हम लॉग के अंदर समेशन में सम में सारी वैल्यूज़ थिकनेस की रखते हैं, जैसे कि हमारा बाइसेप की थिकनेस, ट्राइसेप की थिकनेस, सब स्कैपुलर की और सुप्रा इले की, इन सब की थिकनेस को प्लस करके हम एस की जगह रखते हैं लॉग समेशन एस। तो इस पूरे कैलकुलेशन से हमारी बॉडी डेंसिटी निकल के आती है, फिर उस बॉडी डेंसिटी को हम दूसरे फार्मूला में रखते हैं और हम बॉडी फैट परसेंटेज निकालते हैं। वो फार्मूला है बॉडी फैट परसेंटेज निकालने का 4.95 डिवाइड बाई जितनी हमारी बॉडी डेंसिटी आई है माइनस 4.5 इंटू 100। ये हमें निकाल के देता है कि स्किन फोल्ड थिकनेस से बॉडी फैट परसेंटेज किसी मेल या फीमेल का कितना है। एक हमारी FSS से AI के थ्रू एक पर्पल बुक आई थी जिन्होंने रेंज दिया था बॉडी फैट परसेंटेज का, अगर वुमेन की बात करें तो वो 32% से ज़्यादा है तो वो ओबीस कंडीशन में आती हैं, मेन की बात करें तो 25% से ज़्यादा है तो वो ओबीस कंडीशन में आती हैं। फिर हमारा आता है बॉडी फैट मास, बॉडी फैट मास हमारी बॉडी वेट के हिसाब से हमारी बॉडी में कितना फैट का मास है, इसको निकालने के लिए हम अपना बॉडी का वेट लेते हैं, बॉडी फैट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, वो हमें बताती है कि हमारी बॉडी का फैट मास कितना है। अब बॉडी फैट मास का यूज़ करके हम फैट फ्री मास निकाल सकते हैं, जितना हमारा बॉडी का फैट मास है अगर हम अपने बॉडी के वेट से वो माइनस कर देते हैं तो हमारी बॉडी का फैट फ्री मास आ जाता है। फैट फ्री मास वो मास है जिसमें हमारा वाटर, प्रोटीन,
अदर मिनरल्स इंक्लूड है और इसमें फैट इंक्लूड नहीं है। अब आता है हमारी बॉडी का कॉम्पोजिशन। अभी तक हमने बात करी हमारी बॉडी वेट की, फैट मास की और फैट फ्री मास की, लेकिन ये हमारे दो कंपार्टमेंट मॉडल है। दो कंपार्टमेंट यानी कि फैट मास और फैट फ्री मास। अब अगर डिटेल में देखते हैं तो हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन और भी कॉम्पोनेंट से बना हुआ है। उसमें हमारा सेल मास आता है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू यानी कि हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर, और हमारा फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारे ही अलग अलग कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, 4 कंपार्टमेंट अलग अलग मॉडल हैं जो कि हमारा ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन बताते हैं, जिसमें कि हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के साथ मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, स्केलेटन, मसल, ये सारे ही इंक्लूड होते हैं। इसको हम अगर फिर से देखते हैं फैट फ्री मास को, फैट फ्री मास में हमारा बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, इंटरनल ऑर्गन, ये सारे ही इंक्लूड होते हैं। तो ये सारा हमें तभी पता चलता है जब हमारे पास बॉडी कॉम्पोजिशन है। अगर दो व्यक्ति सेम हाइट, सेम एज, सेम वजन के हैं, पर हो सकता है कि उनका बीएमआई भी सेम हो, लेकिन जब हम उनका बॉडी कॉम्पोजिशन देखते हैं तो वो अलग होता है। किसी में प्रोटीन का, मसल मास का वजन ज़्यादा होता है तो किसी में फैट का मसल ज़्यादा होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों का वेट एक जैसा है, दोनों की हाइट एक जैसी है, तो उनका बॉडी कॉम्पोजिशन भी सेम होगा। बॉडी कॉम्पोजिशन दोनों का अलग अलग ही होगा। वो डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितना प्रोटीन है, कितना मसल मास है, कितना वाटर है, कितने अदर बॉडी सेल्स हैं। अब हमारे इस वेट बढ़ने से, हमारे ओबेसिटी कॉज होने से, मोटापे से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और मोटापा बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना। सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर कोई व्यक्ति अपनी डेली के फंक्शन अच्छे से नहीं करता है, आपका 8 घंटे का सोना, 8 घंटे की बाकी सारी एक्टिविटी जिसमें कि आपका बाहर काम करना, आपका दिन भर का चलना, आपका बैठ के काम करना, आपकी अदर एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन लेटा रहता है, बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो वो फिजिकली इनएक्टिव होता है। मीन्स वो कोई भी काम नहीं कर रहा, उसकी जो लाइफस्टाइल है बहुत ही पुअर लाइफस्टाइल है। ऐसे व्यक्तियों में मोटापा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फ्यूचर में उनको काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा आता है हमारा ईटिंग बिहेवियर। कुछ लोग होते हैं जो टाइम से खाना खाते हैं और एक बैलेंस डाइट लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनका कोई डाइट का पैटर्न नहीं है। वो कभी बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा ली, पूड़ी कचौड़ी ज़्यादातर खाना, तो ओवर ईटिंग की वजह से भी हमारी ओबेसिटी या मोटापा कॉज होता है। तीसरा है हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। हमारा 3 सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप। हायर इनकम ग्रुप में जहाँ पर आपके पास एक फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपको खाने पीने की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, अच्छा एक्सेस कर सकते हैं, और उस केस में क्या है, वो बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं है, बहुत एक्टिव नहीं है, तो हायर इनकम ग्रुप में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के चांसेस मिलते हैं। वहीं लोअर इनकम ग्रुप में जहाँ पे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, खाने पीने को लिमिटेड उसमें मिलता है, काम ज़्यादा करना है, उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ऐसे केस में ओबेसिटी की जगह अंडरवेट के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। फिर हमारा एनवायरनमेंट, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे आसपास का कैसा वातावरण है, उसके हिसाब से भी हमारा ओबेसिटी का होना ना होना डिपेंड करता है। दूसरा हमारा जेनेटिक्स, हमारे पूर्वजों से, हमारे मम्मी पापा से जीन्स जो हम आगे कैरी करते आ रहे हैं, अगर उनका वेट ज़्यादा है, वो ओबीज हैं, तो वही जीन हमारे अंदर आएंगी, तो हमारे अंदर भी वेट बढ़ने की, मोटापा आने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर जीन नॉर्मल है, हमारे मम्मी पापा का वेट नॉर्मल है, तो हो सकता है हमारा भी आगे जीन नॉर्मल रहे, ओबेसिटी नहीं कॉज हो। अब ओबेसिटी होने से क्या क्या फ्यूचर में डिजीज़ हो सकती हैं, क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या उसके रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहला है डायबिटीज़। ओबीज होंगे, आपका लाइफस्टाइल बिगड़ेगा, आपका खान पान बिगड़ेगा, मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा, तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, हमारी CVD जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हैं, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन,
इनके भी चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा फैट का इंटेक ज़्यादा होता है, हमारा एक्सपेंडिचर कम होता है, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ा जाता है। दूसरा, तीसरा हो गया अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे घुटनों पर हमारी बॉडी का वेट ज़्यादा पड़ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन हो जाना, जिससे कि हमारी बोन जो है वो उस डीफॉर्म होने लगती हैं, जो कार्टिलेज है उसके बीच का फ्लूइड कम होने लगता है, जिसकी वजह से दर्द और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कैंसर भी हमारा ओबेसिटी की वजह से होता है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में फ़र्क पड़ना, इनएक्टिव हो जाना, ज़्यादा काम नहीं करना, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमारा कैंसर आगे चल के कॉज करती है। फिर आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मोटे लोगों में फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, फैट इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से फैट पे अदर ऑर्गन्स पे दबाव पड़ता है, तो जब आप सोते हैं तो सोने के टाइम में ये दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बहुत से लोगों में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, और पूरा उनका एक जो मानसिक संतुलन थे उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर आता है इनफर्टिलिटी। आगे चल के महिलाओं में इनफर्टिलिटी के चांसेस भी, अगर वो ओबीज हैं तो वो बढ़ जाते हैं। अब आता है हमारा डाइटरी मैनेजमेंट। अभी हमने देखा मोटापा क्या होता है, कितने तरीके का होता है, कैसे हम उसका असेसमेंट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या उसके कॉज होते हैं, क्या उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अब हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, डाइट के थ्रू, खाने के थ्रू, आहार के थ्रू। जब हम उसका सबसे पहले किसी एक मोटे व्यक्ति का डाइट प्लान करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि हम उसका एकदम से वेट लॉस नहीं करना है, हमें उसका वेट धीरे धीरे कम करना है। दूसरा आता है, हमें उसका सबसे पहले डिज़ायरेबल वेट, जो उसका आइडियल बॉडी वेट है, उसको लाना है, लेकिन उसके साथ हमें उसका न्यूट्रिशन बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, एक बैलेंस डाइट से लाना है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल उसका खाना बंद कर देना है, उसको बहुत सारी चीज़ें जो वो डेली खा रहे हैं बिल्कुल बंद कर देना है, हमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करने हैं और हमारा न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो एक हेल्दी मेंटेन करना है। तीसरा आता है करेक्ट फॉल्टी फूड हैबिट्स। कुछ हैबिट उनकी पड़ गई हैं कि वो बाहर का ही खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, पूड़ी पराठा खा रहे हैं, समोसा बर्गर पैटीज जो आजकल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं, तो उन फॉल्टी हैबिट्स को हम कैसे सही कर सकते हैं, जिससे कि उनका एक वेल बैलेंस्ड डाइट प्लान बने और उनका ओबेसिटी का रिस्क जो है वो उनमें कम हो। उसमें हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें कि हमारा एनर्जी, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और फैट आएगा। तो एनर्जी में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक ओवरवेट या ओबीज पर्सन है तो हमें कितनी कैलोरी की डाइट उसको देनी है, वो हमारा डिपेंड करता है कि उसका एनर्जी का इंटेक कितना है और उसकी रिक्वायरमेंट हमारी एनर्जी इंटेक से पूरी हो पा रही है कि नहीं। हमें बहुत ज़्यादा भी कम नहीं करनी है और बिल्कुल ज़्यादा कैलोरी की डाइट भी नहीं देनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें पूरे हफ्ते में 1 किलो वज़न कम करना है तो हम उसकी डेली की जो डाइट है उसमें से 1000 किलो कैलोरी तक माइनस करते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन 3000 कैलोरी की डाइट ले रहा है और वो मोटा है, तो अगर हमें उसका वीक में 1 किलो वज़न कम करना है तो हम उसमें से 1000 कैलोरी कम कर देंगे, उसको एक वीक तक, एक हफ्ते तक 2000 कैलोरी की डाइट देंगे, जिससे कि उसका 1 kg वीक में कम होगा। और अगर हम उसकी बॉडी में से सिर्फ 0.5 किलो कम करना चाह रहे हैं एक हफ्ते में, तो हमें उसकी डाइट में से 500 कैलोरी कम करनी होगी। यानी कि अगर वो 3000 कैलोरी ले रहा है तो हम उसकी कैलोरी में से 500 माइनस करके 2500 कैलोरी की डाइट देंगे, जिससे कि एक हफ्ते में उसका 0.5 किलो वज़न कम हो जाएगा। अब ये सारी कैलोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमारी डाइट में हम कितना फैट ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं और कहाँ से हमें कितनी कैलोरी मिल रही है, तो इसी कैलकुलेशन को हम देखें तो हमारा 1 ग्राम फैट जो है वो हमें 9 कैलोरीज देता है। तो 1 ग्राम बॉडी का फैट जो है वो 7.7 कैलोरी के बराबर होता है। तो अगर हम 500 ग्राम यानी कि 0.5 kg वज़न कम करना चाह रहे हैं तो 500 को हम 7.7 से मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3850 कैलोरीज़ को फिर हम 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम 7 दिन में इसका फ़र्क देख रहे हैं, तो टोटल निकल के जो आता है 550 कैलोरी पर डे। अब
एनर्जी कैलकुलेशन के हमारे और भी तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हमें किसी विमेन का वेट रिड्यूस करना है तो हम उसको 1000 से 1200 कैलोरी की डाइट देते हैं, और अगर हमें किसी मैन का वेट रिड्यूस करना है 500 से 1800 कैलोरी की डाइट देते हैं। पर हमें उनको मॉनिटर करते रहना चाहिए कि अगर हम इतनी कैलोरी की डाइट दे रहे हैं तो उनकी वीकनेस तो नहीं आ रही, उन्हें और दिक्कतें तो नहीं हो रही, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कैलोरी कम नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा कैलोरी कम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अदर दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि नर्वस एग्जॉशन होना, वीकनेस लगना, बहुत सारे अदर जो न्यूट्रिएंट मिनरल्स विटामिंस हैं उनकी कमी होना, भूख बार बार लगना। तो इसलिए हमको एक लिमिट में ही रिस्ट्रिक्ट करनी है कैलोरीज, 1000 से 1200 से ज़्यादा नहीं करनी है कम फीमेल के केस में, और 1500 से 1800 के बीच में ही रखनी है मेल के केस में। तो अगर हम इसको सामने से देखते हैं तो हम 500 किलो कैलोरी पर डे अगर हम इनटेक कम करते हैं तो ओवरवेट के कंडीशन में हमारा वेट आधा किलो तक कम होता है, जो हम आगे अभी बता सकते हैं, और 750 से 1000 कैलोरी कम करते हैं तो ओबीस पर्सन के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आते हैं हमारे अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हमारी बॉडी की सारी नॉर्मल फंक्शनिंग में काम आता है, हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन रखता है। अगर हम देखें तो हमारी पूरी एनर्जी में से 20% जो एनर्जी मिलती है वो हमें प्रोटीन से मिलती है। तो हमारी डाइट में हमेशा एक गुड क्वालिटी प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन की बात करें तो हमारे दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक एनिमल सोर्स प्रोटीन और एक प्लांट सोर्स प्रोटीन। एनिमल सोर्स प्रोटीन वो होता है जो हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है, जैसे कि गाय का दूध, भैंस का दूध, या फिर पनीर, अंडा, मुर्गा, मछली, मीट, ये सारा हमारा एनिमल प्रोटीन हो गया। प्लांट प्रोटीन जो हमारी दालें हैं, चना है, बाकी सारे आपके अनाज हैं जिसमें से हमें प्रोटीन मिलता है, वो हमारा प्लांट प्रोटीन हो गया। तो गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है जो हमें एनिमल से मिलता है, जो कि हमारा मिल्क है, लीन मीट हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, ये सारा हमारा गुड क्वालिटी प्रोटीन है। और हमारे जो होल पल्सेस, होल दाल हैं, वो हमारा प्लांट सोर्स प्रोटीन है। तो हमारी बॉडी में एक इंसान को नॉर्मल डाइट फॉलो करने के लिए 50% एनिमल प्रोटीन, 50% प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए। जो शाकाहारी हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उस केस में उनको मिल्क है, पनीर है, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और बाकी आप दाल, सोयाबीन, इनको यूज़ कर सकते हैं अपना प्रोटीन बढ़ाने के लिए। क्योंकि प्रोटीन एक सटाइटी वैल्यू, जब आप खाना खाते हो तो एक फुलनेस, जैसे कभी कभी क्या होता है खा लिया पर पेट नहीं भरा, जब प्रोटीन की चीज़ें खाते हो तो आपको ताकत भी मिलती है और एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है कि हाँ अब आपकी डाइट पूरी हुई है। तो इसलिए हमारी डाइट में डेली प्रोटीन होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है हमारा फैट। 20% जो एनर्जी है वो हमें टोटल फैट से मिलती है। फैट भी हमारे कई तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट जो हमारे हार्ट की डिजीज़, हार्ट के प्रॉब्लम को कम करता है, जो कि एक हेल्दी फैट होता है, जो हमारे अनाजों में, हमारे सीड्स में, हमारे अलग अलग जो हमारे बीज होते हैं उनमें मिलना, नट्स में मिलना, हमारे ड्राई फ्रूट्स में, इनमें प्रेजेंट होता है। और सैचुरेटेड फैट जो कि अनहेल्दी फैट होता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, जो कि फ्राइड फ्रूट्स में, बाहर के तले भुने खाने में होता है। फिर आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। बाकी की बॉडी में एनर्जी यानी कि 60% तक एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमारा एक टोटल एनर्जी का सोर्स है, जो हमारी डेली एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना ज़्यादा से ज़्यादा काम कार्बोहाइड्रेट का है, तो हमारी डाइट में भी कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। पर वो भी डिपेंड करता है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट किस टाइप का है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। सिंपल जैसे कि शुगर, जो बहुत जल्दी ही ब्लड में घुल के शुगर का लेवल बढ़ा देता है, वो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हमसे कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छे हैं। ज़्यादातर हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने चाहिए, जो कि हमारे डाइटरी फाइबर के फॉर्म में होंगे, जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जो हमारे होल सीरियल्स में, होल ग्रेन्स में होते हैं, स्प्राउट्स में होते हैं, और हमारे अदर सैलड्स के फॉर्म में होंगे। फिर आता है हमारा मिनरल्स और विटामिन्स।
मिनरल्स और विटामिन्स का सबसे अच्छा सोर्स है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, यानी कि आपके फल और सब्जी। सारे ही मिनरल, आप अगर सारे फल सब्जी अपने डाइट में लेते हो तो वो इंक्लूड होते हैं। और मिनरल और विटामिन्स का रोल है एक प्रोटेक्टिव रोल प्रोवाइड करना, जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये ऑक्सीडेंट्स को कम करते हैं, ये एज अ एंटी ऑक्सीडेंट वर्क करते हैं, और ये एनर्जी में लो होते हैं, विटामिन मिनरल का एक अच्छा सोर्स होते हैं, और साथ के साथ हमको फाइबर भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे डाइट में रफेज बढ़ाते हैं। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो उसको एक परमिटेड लिमिट में ही लेना चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम अल्कोहल हमको 7 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। तो ये एक एम्प्टी कैलोरी है, इसके साथ आपको कोई न्यूट्रिएंट, कोई मिनरल्स नहीं मिलता है, सिर्फ कैलोरीज मिलती हैं। तो इसका जो कंजम्पशन है वो लिमिट करके हमें कम से कम लेना चाहिए। अब हम डाइट और फीडिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो डाइट और फीडिंग पैटर्न में हमें किस तरीके से डाइट देनी है और हमारा उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो अगर एक ओबीस पर्सन की, एक ओवरवेट पर्सन की बात करें, तो सबसे पहले उनका सेटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें लगे कि हमने डेली से बहुत कम खाना खाया, उनके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, उनको साइकोलॉजिकली हंगर जो है वो कम नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें उनके डाइट में प्रोटीन के फूड्स ज़्यादा से ज़्यादा रखने चाहिए, जो कि उनके डेली रिकमेंडेड अलाउंसेज यानी कि RDA के अकॉर्डिंग हो। फाइबर के फॉर्म में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, होल ग्रेन सीरियल, जो साबुत अनाज जो हमारे सीरियल्स में, पल्सेस में, साबुत दालों में मिलेंगे, और हमारा जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, उनको कम से कम लेना चाहिए। फिर फ्लूड और सॉल्ट, सॉल्ट और फ्लूड का कंजम्पशन अगर देखें, बहुत ज़्यादा नमक लेने से भी हमारी बॉडी में फ्लूड डिपॉजिट होता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एडिमा कॉज होता है, हाइपरटेंशन भी हो रहा है, हार्ट फेलियर के चांसेस हैं। तो हमारा जो सॉल्ट का इंटेक है वो भी एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, 5 ग्राम पर डे, अगर पेशेंट हार्ट का नहीं है तब। अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसके अलग गाइडलाइंस हैं, लेकिन नॉर्मल इंटेक जो है वो 5 ग्राम एक दिन में होना चाहिए। ज़्यादा नमक लेने से भी हमारे बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ता है, जिससे एडिमा की कंडीशन आती है। फिर हमारे कुछ बल्किंग एजेंट है, जैसे कि ईसबगोल, जो हमारा मिथाइल सेलुलोज के फॉर्म में रहता है, वो हमारी बॉडी के इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस एक बॉडी में डाइट बल्क प्रोवाइड करना, जिससे कि अगर हमारे गट में कोई भी दिक्कत है, हमारा फूड का इनटेक कम होगा, अगर हम इसको ज़्यादा लेंगे हमारे गट को क्लियर करेगा और हमारा डाइजेशन जो है वो अच्छा रखता है। अब कौन से फूड हमें लेने चाहिए और कौन से फूड हमें अपनी डाइट से कम लेने चाहिए या बिल्कुल हटा देने चाहिए। तो अगर हम फूड जो एक्सक्लूड करने चाहिए उनकी बात करें, तो सारे हमारे हाई फैट फूड, जैसे कि बटर हो गया, प्रोसेस चीज़ है, चॉकलेट है, आइसक्रीम्स है, क्रीम है, फैटी मीट है, फ्राइड फूड्स है, जैसे कि समोसा, मटरी, पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, पटैटो चिप्स, नट्स, पेस्ट्रीज और सैलड ड्रेसिंग, इन सबको कम से कम लें और ज़्यादातर अपनी डाइट से हटा दें। हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, जिसमें कि हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जैसे कि ब्रेड है, केक्स है, कुकीज़ है, रिच पुलावज़ हैं, पोटैटोज़ हैं, पोटैटोज़ में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तब नुकसान करते हैं, कम मात्रा में नहीं, क्योंकि इसमें भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। बाकी हमारा कुछ सिरप्स हैं, जैम है, रिच पुडिंग है, इनको थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए। कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे कि ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जिसमें कि हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत यूज़ करते हैं, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अब बात आती है कि हम क्या ले सकते हैं। तो जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, हमारे होल ग्रेन सीरियल्स हैं, हमारे जैसे कि होल व्हीट है, ब्राउन राइस है, मिलेट्स की बात करें तो ज्वार है, जैसे कि सॉर्गम बोलते हैं, पर्ल मिलेट जो बाजरा, फिंगर मिलेट जो रागी है, और फॉक्सटेल क्विनोवा, क्योंकि मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, शुगर को वो जल्दी नहीं बढ़ाता और हमारी बॉडी में वो जाके डिपॉजिट नहीं होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर सिंपल फॉर्म में है वो सबसे पहले ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाते हैं और बॉडी में जाके डिपॉजिट होके वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और मोटापे लोगों में और मोटापा बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेने हैं, कॉम्प्लेक्स का होल ग्रेन सीरियल्स, मिलेट्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए,
दाल पल्सेस, जैसे कि सारी ही पल्सेस हम आराम से ले सकते हैं, बंगाल ग्राम, रेड ग्राम, जो हमारी चने की दाल है, अरहर की दाल है, हमारी लेंटिल्स, मसूर की दाल हो गई, राजमा हो गया, हमारा चिकपी चना हो गया, हमारी मूंग की दाल है, ये हम अच्छे से इसका सेवन कर सकते हैं। फिर हमारा आता है मीट और मीट प्रोडक्ट्स। जो लोग जो नॉन वेजिटेरियन है, जो आराम से मीट का कंजम्पशन कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी डाइट में एग, फिश, चिकन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, रेड मीट को अवॉइड करें। फिर हमारे वेजिटेबल्स में आप सारे वेजिटेबल्स ले सकते हैं, पर कोशिश करें कि वेजिटेबल हमेशा आप अच्छे से पका कर लें, कुक फॉर्म में लें। रॉ फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो वो सैलेड ही लें, और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ऑयल हमारे डाइट में जो यूज़ होना है वो पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड दोनों से बना होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना हो। अब ओबेसिटी के ट्रीटमेंट्स क्या है, अगर किसी को ओबेसिटी हो गई है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? डाइटरी मॉडिफिकेशन, सबसे पहले हम उनकी डाइट को मॉडिफाई करेंगे, डाइट में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं जिससे कि उनका मोटापा कम हो सके। हमारी डाइट जो होगी वो लो कैलोरी डाइट होगी, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था, 1000 से 1200 कैलोरीज की फीमेल्स के लिए और 1500 कैलोरी से 1800 कैलोरी की मेल्स के लिए। डाइट के साथ, लो कैलोरी डाइट के साथ हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, जैसे कि योग करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, या फिर सुबह शाम वॉक करना। और हमारे डेली के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो छोटे छोटे काम हम बैठे बैठे करते हैं वो उसमें हमें थोड़ा उठ के करना चाहिए। अगर हम कहीं लिफ्ट से जा रहे हैं तो हमें सीढ़ियाँ यूज़ करनी चाहिए। छोटी छोटी पास की जगहों पे हम कार, बाइक, स्कूटर यूज़ कर रहे हैं, उन्हें उठा के हम पैदल चलें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर हमारा लो कैलोरी मैक्रो न्यूट्रिएंट डाइट प्लान, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, फैट, मैक्रो न्यूट्रिएंट आता है, पर उसमें से हम वो ऑप्शन चुनें जिनकी कैलोरी लो है, जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हटा के कॉम्प्लेक्स कार्ब लें, फैट में सैचुरेटेड फैट को हटा के अनसैचुरेटेड फैट लें, और फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर उसके बाद हमारे कुछ इनटेक और आउटपुट का बैलेंस, अगर हमारा वेट हमें फिर से नहीं बढ़ाना है, एक नॉर्मल रेंज में रखना है, तो हमारा एनर्जी का इनटेक कम होना चाहिए, आउटपुट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हम खाने में कैलोरी कम लें और हम डेली की एक्टिविटी में एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें। एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बनाकर चलने से हमारा एक वेट मैनेजमेंट प्रॉपर वे में होता है और वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। ये कुछ फूड ग्रुप्स हैं जिनके हमको डेली सर्विंग कितनी लेनी चाहिए और उसका सर्विंग साइज कितना होना चाहिए, जैसे कि होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में आपके सारे साबुत अनाज आ जाते हैं, जिनकी हमारी डेली की सर्विंग जो है वो 3 से 5 होनी चाहिए, जिसका सर्विंग का साइज़ है 30 ग्राम। फिर है हमारा पल्सेस और लेग्यूम्स, या फिर कोई नॉनवेज फूड आइटम, उसकी हमें पूरे दिन में 2 से 3 सर्विंग लेनी चाहिए और उसका भी जो सर्विंग साइज़ है वो 30 ग्राम। यानी कि अगर हम दाल ले रहे हैं 2 से 3 सर्विंग, तो हमारा 30 से 90 ग्राम तक दाल होनी चाहिए, या फिर 30 से 90 ग्राम तक नॉनवेज होना चाहिए। वेजिटेबल्स की बात करें तो 4 से 5 सर्विंग डेली वेजिटेबल होना चाहिए और एक सर्विंग का जो साइज़ है वो 100 ग्राम, यानी कि 400 से 500 ग्राम सब्जियां हमको डेली खानी चाहिए। फ्रूट्स की बात करें तो 2 से 3 ग्राम यानी कि 150 ग्राम रॉ फॉर्म में फ्रूट्स लेने चाहिए। लो फैट डेरी, यानी कि अगर हम मिल्क और मिल्क रिलेटेड की प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जैसे कि दूध, पनीर, दही, छाछ, 2 से 3 सर्विंग ले सकते हैं और हर एक सर्विंग का साइज़ 150 ml तक होना चाहिए। बाकी फैट्स और शुगर आपको कम से कम लेने चाहिए। अभी तक हमने बात करी ओवरवेट और ओबेसिटी की, मोटापे की, अब हम बात करेंगे अंडरवेट की। ये दोनों ही हमारी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा वजन होना और सामान्य से कम। अंडरवेट भी एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जो कि ज़्यादातर लो इनकम ग्रुप में दिखती है। अब ज़्यादा अंडरवेट को पीछे छोड़ के ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ने लगी है, लेकिन अंडरवेट की हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिनका सामान्य से 15 से 20% तक वेट कम है, ये अंडरवेट की कंडीशन में आते हैं। इनका BMI हमेशा लो रहता है, यानी कि 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से कम, जबकि नॉर्मल रेंज हमारी है 18.5 to 24.9। अंडर न्यूट्रिशन
में हमारी जो सारी एक्टिविटी है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड, ये सारे ही अफेक्ट होते हैं। इसके बहुत सारे रिस्क हैं, लॉस ऑफ एनर्जी, आप बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए बॉडी प्रोन हो जाती है क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है तो बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा डेवलप हो जाता है, बॉडी की इमेज डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बहुत ही लिन थीन दिखने लगते हैं, बहुत ही पतले दुबले इंसान लगने लगते हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है। अब अंडरवेट की क्या कारण होते हैं? सबसे पहले कुछ लोग हैं जो अनइंटेंशनली अंडरवेट, जैसे कि उन्हें कोई बीमारी हो गई, उनका खाना पीना बंद हो गया, कुछ भी खा रहे हैं तो उनको लग नहीं रहा है, डायरिया की कंडीशन ज़्यादा हो गई है, इस कंडीशन में अंडरवेट है, बार बार इन्फेक्शन हुआ जा रहा है, इम्यून सिस्टम कम है, या फिर वो प्रॉपर खाना नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास उतनी सफिशेंट अमाउंट में खाना नहीं है जो वो खा पाए और डेली उनका वेट बढ़ पाए, या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, उनका जो डेली का काम है, आना जाना है, जैसे कि मजदूर लोग हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, एक्सेस एक्टिविटी है और उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, ऐसे लोग अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन में जाते हैं, या फिर बहुत ही गरीब लोग हैं जिनको खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रॉपर वे में खाना नहीं है और उनका प्रॉपर ग्रोथ न्यूट्रिशन नहीं हो पा रहा है और वो अंडर न्यूट्रिशन वेट की कंडीशन में जा रहे हैं, या फिर एथलीट हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो एक डेवलपिंग फेज़ में है, उनकी एक्सेस एक्टिविटी है, एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी है तो उससे भी वो अंडर वेट हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, वो खाना तो अच्छा ले रहे हैं, डाइट अच्छा ले रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उसको पूरा मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है क्योंकि उनकी बॉडी में पहले से ही कुछ कमियाँ हैं, कुछ बीमारियाँ हैं, इस केस में भी लोग अंडर वेट हो जाते हैं। अंडरवेट का मैनेजमेंट कैसे हो? अंडरवेट मैनेजमेंट से पहले हम आते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में अंडरवेट का एक ही तरीका है जो आप देखकर भी पहचान सकते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला है, या फिर उसका बीएमआई अगर आप देखेंगे तो वो हाइट और वेट का रेशियो जो है वो 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर से कम है। अब हम उसको कैसे मैनेज करें? मैनेजमेंट हमारा डाइट के थ्रू कैसे होना चाहिए? सबसे पहले हमें उसकी बॉडी वेट को रीस्टोर करना है नॉर्मल में, यानी कि अभी उसका बॉडी का वेट जो है वो सामान्य से बहुत कम है, हमें उसको नॉर्मल पे लाना है, बट धीरे धीरे, एकदम से बहुत ज़्यादा खिलाकर नहीं। उसके सारे टिश्यू को रीबिल्ड करना है, न्यूट्रिएंट स्टोर बढ़ाने हैं, रीस्टोर करना है हेल्थ को, बॉडी का वेट और उसका एक अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस बनाना है। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बॉडी का वेट डिटरमाइन करते हैं, डाइट का टाइप क्या है, एक्सरसाइज का अमाउंट पूरे दिन में वो कितना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, और अदर फैक्टर जो हमें कंट्रोल करने हैं। इनके डाइटरी रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में एनर्जी। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड और इम्प्रूव स्टेटस ऑफ अंडरवेट पर्सन, हम लोग उसमें 500 किलो कैलोरी पर डे बढ़ाएंगे। अगर हमें उनका एक हफ्ते में आधा किलो वज़न बढ़ाना है तो हम उनकी डाइट में, अगर उनकी नॉर्मल डाइट 2000 किलो कैलोरी की है तो अगर हमें उनका आधा किलो वेट बढ़ाना है तो हम उनकी डाइट अब 2500 किलो कैलोरी पर डे कर देंगे, ठीक है। और हमारा अगर हम 1000 किलो कैलोरी बढ़ा रहे हैं तो उनका वेट और ज़्यादा अच्छा होगा और वो एक हफ्ते में एक किलो वज़न बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि वेट जल्दी बढ़ाना है या कम वेट बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। इसके बाद हमारी जो फूड के सोर्सेज हैं, जैसे कि फ्रूट जूस है, फ्रूट सैलड है, नट्स है, क्रीम्स है, होल ग्रेन, सीरियल्स, बटर, ये इनकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे जो इन्हें कैलोरी प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन एनर्जी की जो नीड है वो ज़्यादा बढ़ाता है, रिक्वायरमेंट बढ़ाता है, क्योंकि हमारे इस कंडीशन में मसल बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन को एक सही मात्रा में देना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी बॉडी वेट को देखें, अगर कोई पर्सन 50 किलो का है तो उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1.5 टू 2 केजी पर बॉडी वेट होगी, यानी कि उनको 75 से 100 ग्राम पर डे तक प्रोटीन लेना चाहिए। और वो प्रोटीन ईजिली डाइजेस्ट होने चाहिए, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के होने चाहिए, जो कि एनिमल सोर्स से मिलता है, जैसे कि मिल्क, एग और अदर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल।
कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल और पल्सेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ सीरियल में हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे कुछ पल्स में नहीं होते हैं, वहीं कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे पल्स में हैं और सीरियल्स में नहीं। तो अगर हम सीरियल और पल्स का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारी बॉडी को सारे एसेंशियल अमीनो एसिड और एक गुड क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा। इसीलिए हमेशा दाल और चावल हम कॉम्बिनेशन में खाते हैं, खिचड़ी कॉम्बिनेशन में खाते हैं और इडली सांभर कॉम्बिनेशन में खाते हैं, जहाँ पे हमें सीरियल भी मिल रहा है और दाल भी मिल रहा है। फुल क्रीम मिल्क ड्रिंक्स हमें मील के बीच बीच में ले ली रहनी चाहिए और चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, अच्छे से कुक्ड फूड, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए वेट बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारी एनर्जी नीड को सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो उसमें हमारा प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन होता है, मतलब कि जब हमारी बॉडी में कहीं से एनर्जी नहीं मिलती तो जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हम फूड लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाके डिपॉजिट हो जाता है और मसल बनाने लगता है या अलग से स्टोर रहता है। तो जब हमारी बॉडी को कहीं से एनर्जी नहीं मिलती है तो वही स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, वही स्टोर्ड एनर्जी टूट कर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसी चीज़ को हम प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन बोलते हैं। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं जैसे कि शुगर, हनी, सीरियल, हमारे स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि हमारा पोटैटो है, हमारा अरवी है, इन सबको डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। साथ में फ्रूट्स अच्छे से मात्रा में लेने चाहिए, यानी कि 500 से 600 ग्राम तक डेली डाइट में। और हमारे डाइट में जो थोड़े फाइबर रिच फूड हैं जैसे कि हमारे अदर वेजिटेबल्स हैं जो कि फाइबर बढ़ा रहे हैं, फाइबर बढ़ाने से हमारा गट हेल्थ प्रॉपर रहेगी और हमारा बॉवल मूवमेंट अच्छा रहेगा जिससे कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, तो वो भी हमारे सफिशेंट अमाउंट में होना चाहिए और ये फाइबर हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। फिर हम फैट की बात करें तो फैट एक हमारा एनर्जी डेंस सोर्स है फूड का जो कि बल्क हमारी डाइट का बढ़ाता है। फैट का इंटेक मॉडरेट क्वांटिटी में होना चाहिए जो कि हमारी एनर्जी नीड को पूरा करे, टॉलरेंस लिमिट तक पहुँचे, बहुत एक्सेस में फैट नहीं लेना है, नॉर्मल से ज़्यादा बट एक्सेस से कम। और इसके जो बेटर सोर्सेज हैं वो बटर है, क्रीम है और होल मिल्क है। फिर आता है हमारा मिनरल्स और वाइटामिन्स। मिनरल और वाइटामिन का सबसे अच्छा सोर्स है फ्रूट्स और वेजिटेबल, जो कि आप नीचे लगे पिक्चर में बहुत अच्छे से दिख सकते हैं। अगर हमारी डाइट में फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा है तो पूरे अमाउंट में मिनरल वेजिटेबल्स प्रोवाइड होगा, साथ के साथ हमारा होल ग्रेन सीरियल्स पल्सेस स्प्राउट्स के फॉर्म में और एडिक्वेट मिनरल्स और वाइटामिन्स प्रोवाइड करता है। फूड इंटेक जो कि हमें धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए, जैसे कि हमारा मील की फ्रिक्वेंसी, अगर हम दिन में 2 बार खा रहे हैं तो हमें मील की फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर 3 से 4 बार कर देनी चाहिए या 4 से 5 बार। और हमारा कैलोरी डेंस फूड हो, यानी कि हमारी एक डाइट में कैलोरी के सोर्सेस अच्छे से हों जिसमें कि हम शुगर, जैम, बटर, क्रीम, ऑयल, नट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। प्रोटीन कंटेंट भी हमारी डाइट का अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि हम मिल्क पाउडर, चीज़, कॉटेज चीज़ और अदर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन लिक्विड मिल्क के फॉर्म में, सूप और बेवरेजेस के फॉर्म में यूज़ कर सकते। फिर ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि अंडरवेट पर्सन को फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि इंक्रीज फूड इंटेक धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, एकदम से नहीं, छोटे छोटे मील लेने चाहिए, पूरे दिन में 6 से 8 मील लेने चाहिए। और एम्प्टी कैलोरीज जैसे कि अल्कोहल, जंक फूड, शुगर, ये सब अवॉइड करना चाहिए। हाई प्रोटीन फूड को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, एक्सरसाइज, एपेटाइट इम्प्रूव करना, मसल टोन बढ़ाना, वेट गेन बढ़ाना, इन सबको अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये सोर्सेज हैं जो आपका मटेरियल जो अभी हमने पढ़ा, जो आपको समझाया, ये इन बुक्स के थ्रू लिया गया है।